हर एक बच्चा जो जेई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है और वो ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ना चाहता है, उसके पास जनरली पांच ऑप्शंस होते हैं। वो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस कर सकता है, अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस कर सकता है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और जो कंप्लीट कोर्स 3,000 से 10,000 रुपये तक में प्रोवाइड करते हैं। फिर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है जो अराउंड 30,000 का होता है। फिर अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो अराउंड 50,000 का होता है। ये मैं जनरली 1 ईयर की प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। 2 ईयर की प्राइस में अगर हम कोर्स लेते हैं तो सारे कोर्सेज हमें ऑन एवरेज और ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। अब बात यह कि इनमें से हर एक कोर्स का अपना एक फायदा एक नुकसान है, हर एक है ना माध्यम का, पर अगर हम उनको सही वे में यूज़ करें तो उसका मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और मुझे पता है हर एक के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो अनअकैडमी का आइकॉनिक का प्लस सब्सक्रिप्शन ले पाए या ऑनलाइन कोर्सेज भी खरीद पाए, है ना। कई बच्चे होंगे जो ऑलरेडी ऑफलाइन कोचिंग्स में एडमिशन ले चुके होंगे और उनके पास हो सकता है उनको 2 या 3 सब्जेक्ट में या फिर कुछ सब्जेक्ट में अच्छे टीचर नहीं मिले हों और वो चाहते हैं कि वो टॉपिक्स वो ऑनलाइन कवर करें, तो उनका जनरली प्रेफरेंस होता है फ्री, है ना। तो उसको हम किस तरह से सही वे में यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो बच्चे जो फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, है ना, और वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन, वो चाहते हैं जेई या नीट निकालें और चाहते हैं कि वो फ्री में कंप्लीट कर पाएं। तो देखो यार, इन दोनों को यूज़ करने का ना, देखो यहाँ पे ना नॉलेज का तो बहुत बड़ा भंडार है ना, पर ये समझना है कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी उतना ही यार यूट्यूब पे ना, डिस्ट्रेक्शन भी उतना ही है। हर सेकेंड क्लिक बेटी थंबनेल्स होते हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हम पे क्लिक करो, ठीक है, और उनसे बच के अपनी पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वे वाली बात है ना। जैसे हर रोज़ बहुत सारी हज़ारों लाइव क्लासेस हो रही होती हैं यार, है ना, पर उन सारी क्लासेस में कुछ ना कुछ परसेंटेज प्रमोशन होता है, कुछ में ज़्यादा हो रहा होता है, कुछ में कम हो रहा होता है ना। तो तुम्हें यार ऐसी जगह जाना है जहाँ पर तुम्हारी मैक्सिमम टाइम पढ़ाई हो रही है, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगा, बेटर है अगर आपके पास ऐसे लेक्चर्स हैं, आप ऐसे टीचर्स को ढूंढ लेते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में, जो टीचर्स जनरली कोटा या बड़ी कोचिंग्स के हैं, है ना, ऐसे अवेलेबल हैं और बहुत सारे हैं ना, वो उनके ऑफलाइन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग से उनके ऑफलाइन लेक्चर की। तो मैं प्रेफर करूंगा अगर तुम यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो उन लेक्चर से पढ़ो, क्योंकि वो डिस्ट्रेक्शन फ्री है और वो एक्चुअल में वो है जो कोटा के टॉप बैचेस में पढ़ाया जाता है, वो लेक्चर्स है ना। जैसे मैंने खुद अपने लेक्चर्स बहुत सारे डाल रखे हैं फिजिक्स ऑलिक्स पे, है ना, दे आर कम्प्लीटली डिस्ट्रेक्शन फ्री, एड फ्री, है ना, पर अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। अराउंड 40% सिलेबस मैंने कर रखा है, तो उतना तुम देख सकते हो ना, क्योंकि मैं कंप्लीट कर रहा था पर फिर जो ऑफलाइन कोचिंग के ऑनर थे उनको इशू हो गया कि आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, फिर वो रह गया, अधूरा रह गया वो प्रोजेक्ट। मे बी इन फ्यूचर मैं सारे लेक्चर्स अपने अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं देखो, है ना, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है यार कि जब आप यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लासेस कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सी जगह आपको एजुकेशनल कॉन्टेंट बोल के एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है ना, और हमें लगता है जब हम उसको देख रहे होते हैं वो स्ट्रेटजी या मोटिवेशनल वीडियोस, हमको लग रहा होता है कि हम अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो समय की बर्बादी होती है। तो देखो यहाँ पे पढ़ाई करके बिल्कुल करा जा सकता है, बट इट इज़ मतलब फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और कई बार होता है कि हम गलत लोगों को फॉलो कर लेते हैं और एक एक दो दो साल हमारे बर्बाद हो जाते हैं। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तब हमें पता चलता है यार कि हमें एक्चुअल में एग्जाम लेवल पर नहीं पढ़ाया गया, हमें शायद बोला गया था कि हम उस लेवल पे पढ़ रहे हैं पर एक्चुअल में हम बहुत आसान आसान चीज़ें पढ़ रहे थे ना। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कंटेंट टीचर जानबूझ के भी नहीं दे पाते बहुत सारी जगह ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पाता, उन क्लासेस में रैंडमली लोग घुस रहे होते हैं, बीच के टॉपिक में घुस रहे होते हैं, तो उनको सारा कंटेंट बहुत आसान आसान रखना होता है। जरूरी नहीं कि वो टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते, पर वो अपना बेस्ट भी यहाँ पे दे नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे पास जो कोटा के टीचर्स हैं उनके टीचर्स उन टीचर्स की अगर तुम्हें ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल रही हैं जो अवेलेबल हैं अगर तुम ढूंढो तो वो ज़्यादा बेटर है। तुम अगर यूट्यूब से करना चाहते हो तो वो सही रहेगा, वो तुम्हारे समय की बर्बादी भी नहीं करेगा। अगर अनअकैडमी में फ्री क्लासेस करना चाहते हो तो वहाँ पर भी देखो मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी हर समय 5-10 मिनट का प्रमोशन रहेगा, है ना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है ना कि जब भी तुम किसी भी, है ना, किसी भी चीज़ को फ्री में ले रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि वो फ्री में ले रहे हो, पर एक्चुअल में ये याद रखना है कि कुछ भी फ्री होता नहीं यार, है ना, मतलब वेन यू आर गेटिंग समथिंग इन फ्री यू आर एक्चुअली द प्रोडक्ट, है ना। तो कुछ भी फ्री होता नहीं है, ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है ना। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा यार, है ना, कि टाइम से बड़ा कोई रिसोर्स नहीं होता है। और अगर मैं पैसे का एक सबसे बड़ा यूज़ बोलूँ ना, मतलब एक बार हमको ये जो अपना रोटी कपड़ा मकान होता है वो मिल जाता है, उसके बाद अगर पैसे का सबसे बड़ा यूज़ है तो वो तो है तुम्हारा समय बचाना, है ना। टाइम इज़ मनी, ये बात बोली गई है, ये बात तुमने कई बार सुनी है, दैट इज़ कम्प्लीटली राइट, है ना। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कहूँगा तुम्हें हमेशा किसी ना किसी पेड कोर्स में जाना चाहिए जहाँ पर कोई भी तुम्हारा समय बर्बाद ना हो और तुम्हें जो कोर क्रक्स होता है, जो बेस्ट होता है, वो तुम्हें मिले, है ना, क्योंकि उसमें तुम्हारा टाइम बचता है, तुम्हें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मिलता है। जैसे मुझे बहुत सारी स्किल्स सीखनी होती है कई तरीके, है ना, ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें YouTube पे भी अवेलेबल होती है और उनके कोर्सेज वगैरह डले होते हैं Udemy वगैरह पे ना। तो मैं हमेशा पेड कोर्सेज लेता हूँ यार, है ना, क्योंकि मुझे बेस्ट कंटेंट मिनिमम टाइम में मिल जाता है और टाइम मेरे पास बहुत कम है और टाइम ही तो सब कुछ है यार, है ना। YouTube पे मैं आई एम श्योर कि किसी ना किसी ने वो चीज़ें YouTube पे भी बना के डाल रखेंगे कहीं ना कहीं, पर ना तो मेरे पास इतना समय कि मैं ढूंढूं, और मैं अगर गलत इंसान को फॉलो करने लगा तो मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो उससे बेटर होता है कि आप पेड कोर्सेज जहाँ पे प्रॉपर रिव्यू वगैरह होते हैं उनको करो, है ना, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऑलवेज गो फॉर द पेड कोर्सेज, ऑलवेज गो फॉर द पेड कोर्सेज, है ना। इवन वो बच्चे जो ऑफलाइन में एडमिशन ले चुके हैं, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो ना, तो मतलब ये मत करना कि तुम अपने 5, 10, 20, 30,000 रुपए बचा के अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दो, है ना, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मनी से। देखो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते देन गो फॉर दिस, है ना, देन गो फॉर दिस, है ना, ठीक है। और इनसे भी बिल्कुल करा जा सकता है, ऐसा नहीं कि इनसे तुम नहीं कर सकते यार। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके IIT JEE और नीट निकाले हुए हैं, यहाँ पर तो तुम्हें कम से कम लेक्चर्स मिल रहे हैं ना, ये उससे तो बेटर है ही, एटलीस्ट उससे तो बेटर है ही। आज के ज़माने में पुराने ज़माने के कंपैरिजन में एजुकेशन बहुत आसान हो गई है। अगर तुम्हें से कोई ऐसा बच्चा है जो पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकता और अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी फील करता है यार कि मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है, तो यार तुम बहुत गलत कर रहे हो। मतलब तुम एक चीज़ समझो, पुराने ज़माने में लोग तुमसे भी बहुत ज़्यादा वर्सन सिचुएशन में थे, और आज भी ऐसे भी लोग होंगे जो करना चाहते हैं और उनके पास शायद इंटरनेट भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गाँव होंगे इंडिया में ना, है ना। तो हमें सेल्फ पिटी नहीं खानी चाहिए, हमारी जो भी सिचुएशन में हमें उसमें अपना मैक्सिमम फाइट देना चाहिए। और मैं बता दे रहा हूँ जो बच्चे अपने आप पे सेल्फ पिटी खा रहे हैं इस वक्त कि यार हमारी ऐसी सिचुएशन है, हम पेड कोर्सेज अवेलेबल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी सिचुएशन में इस वक्त बहुत सारे बच्चे होंगे जो फ्री में पढ़ाई कर रहे होंगे, वो अगले साल नीट और JEE निकालेंगे ना, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सेल्फ पिटी कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट। तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तुम्हारे पास जो भी है यार, उसका मैक्सिमम यूज़ दो, अपना 100% दो, है ना। देखो लाइफ अनफेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना, लाइफ सब लोगों के लिए बराबर नहीं होती, और कहीं ना कहीं यही लाइफ का मजा है यार, हर एक इंसान अलग अलग लेवल से स्टार्ट कर रहा है ना। पर यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम नीचे के लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम कभी उठ नहीं सकते ना। पीपल डू दैट ऑल द टाइम यार, पीपल डू दैट ऑल द टाइम। तुम्हारे पास ऐसे हजारों एग्जांपल हर रोज तुम्हें देखने को मिलेंगे ना, बस तुम्हारे अंदर वो जान होनी चाहिए, है ना, तुम्हारे अंदर वो आग होनी चाहिए कि तुम्हें उठना है ना। देखो मैं बात करता हूँ इन कोर्सेज की, ऑनलाइन कोर्सेज की। अब बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। देर आर मेनी पीपल, देर आर बंच ऑफ गाइज हु आर डूइंग दिस एंड दे आर डूइंग ए रियली गुड जॉब, है ना। तो वो उन्होंने इसको बहुत अफोर्डेबल बना दिया ना, एंड ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे टीचर्स खराब हैं, दे आर मतलब डिसेंटली गुड लेवल ऑफ टीचर्स, तो जो तुम्हें पूरे के पूरे कोर्स 3,000 to 10,000 में प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। अब इसमें होता क्या है, फायदा क्या है कि तुम्हें मतलब डिसेंटली गुड टीचर्स मिलते हैं, तुम जिनसे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। और तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर लाइव क्लास है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, 15,000 होते हैं, 20,000 होते हैं, तुम्हारे डाउट्स वगैरह नहीं हो पाते, तुम्हें लेक्चर्स मिल जाते हैं पर बाकी की चीज़ें तुम्हें नहीं मिल पाती, है ना, ठीक है। तो वो एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, बट अगेन दिस इज बेटर देन दिस, है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, तुम्हें पूरा कोर जो कंटेंट है ना यार, वो पूरा तुम्हें मिल रहा है मिनिमम टाइम में, है ना। तो ये अपने आप में बेटर है ना, तो आई वुड गो एटलीस्ट गो फॉर दिस, है ना। अब बात करते हैं अनअकैडमी प्लस की ना, तो ऑफकोर्स ये अब और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, बहुत से लोगों का होता है कि सर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट अगेन ठीक है, सबका अपना अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन होता है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो इन कोर्सेज के कंपैरिजन में कॉस्टली है ये, शायद 3 गुना ज़्यादा कॉस्टली है, 4 गुना ज़्यादा कॉस्टली है, 5 गुना ज़्यादा कॉस्टली है, पर अगर हम ऑफलाइन से कंपेयर करें तो जहाँ पे एक साल का खर्चा अराउंड 3 लाख आता है कोटा एयर डेली में ना, तुम्हारा रहने खाने कोचिंग का ना, तो उसके सामने 110 देना। अब देखो मैं अगर अनअकैडमी प्लस की बात करें ना, देखो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में सबको सेम ही होता है, कुछ फर्क है वो मैं बता दूंगा तुम्हें ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो तुम्हें बेस्ट टीचर मिल जाते ना, मतलब व्हेन आई से बेस्ट आई मीन लिटरली बेस्ट, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी। अगर तुम किसी भी स्टूडेंट को जानते हो जो कभी कोटा में पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, अगर तुम उसे कहोगे यार जो बेस्ट टीचर्स बताओ नीट और JEE में जिन्होंने मैक्सिमम रैंक्स निकाली है, जो कोटा के सबसे पॉपुलर टीचर्स हैं, है ना, और जिन्होंने अभी तक के सबसे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तुम उनमें से अगर जब आके नाम देखोगे अनअकैडमी पे, तो मैं मैक्सिमम टीचर्स नीट और JEE दोनों में अनअकैडमी पे दिखेंगे, जो लिटरली कोटा के बेस्ट टीचर्स वो इस वक्त अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं ना, जिन्होंने मैक्सिमम रैंक्स निकाली हुई है ऑफलाइन की। और अनअकैडमी ने एक्चुअल में जो करा है, दिस इज अ रिवोल्यूशनरी थिंग, ये सारी चीज़ तुम्हें इतने कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज 30,000, है ना। तो मैं कहूँगा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दे शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, है ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सब कुछ पूरे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलता है, तुम्हारा पूरा एक बैच होता है। जैसे अगर मैं नीट और JEE में बात करूँ, तो मेरे बैचेस जैसे अभी आ रहे हैं ना, नीट का बैच मेरा 29 जुलाई से आ रहा है, नीट 2023 ड्रॉपर के लिए, ठीक है, कोटा के सारे टॉप 6 टीचर्स मिल रहे हैं तुमको, है ना। ये तीसरा साल है सुपर अचीवर बैच का ना, हम 2 साल ऑलरेडी सक्सेसफुली रिजल्ट दे चुके हैं। नीट 2022 में भी हमारे स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स 180 out of 180 स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स में, ओवरऑल 700 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स जो 160 प्लस स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स में, है ना। JEE मैन JEE के बच्चों की बात करूं तो JEE 2023 के लिए नए बैच आ रहे हैं, है ना, अगेन इसमें सारे टॉप टीचर्स मिल रहे हैं तुमको इंडिया के, ठीक है। तो ऐसे बैच आ रहे हैं और भी बैच हमारे आगे भी आने वाले हैं ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें सब कुछ पूरे स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे हम 6 से 7 महीने में सिलेबस करेंगे, उसका प्रॉपर रिवीजन होगा, हर रोज क्लास का तुम्हें DPP मिलती है, हर DPP के एक एक क्वेश्चन का तुम्हें रिटर्न और वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, तुम्हें मॉड्यूल और शीट्स मिलते हैं प्रॉपर, उनके डिस्कशन होते हैं,
और यहाँ तक कि जो बच्चे अनअकैडमी पे मेरा कोड यूज करके है ना, विच इज फिजिक्स लाइव, इस कोड को यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहते ना, मतलब उनको मेरे फिजिक्स और एक्स प्रायोरिटी ग्रुप में एंट्री मिलती है। ठीक है, क्या है ये भाई ये ग्रुप, है ना, ये मिरेकुलस ग्रुप है ना, जो ऑनलाइन में बच्चों को पर्सनल गाइडेंस की दिक्कत आती थी कि टीचर से नहीं है, उस गैप को इसने फिल कर दिया है ना। इंडीड अभी मैं बोल सकता हूँ कि बेस्ट डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है तुम्हारे पास, क्यों मैं बता दूँ ना, स्पेशली फिजिक्स के लिए जिन बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत आती है। हम सुबह 8 बजे से डाउट चालू करते हैं और रात के 12:30 बजे तक करते हैं, हर रोज 16 घंटे, इवन ऑन संडेज, क्योंकि संडे को तुम्हारी क्लासेस नहीं होती पर तुम तो पढ़ाई करते हो ना, तुम्हें तो डाउट आते हैं, तो वो भी होते ना, छुट्टियों में भी तुम्हारे त्यौहार है उस दिन भी तुम्हारे डाउट होंगे। खास बात क्या है ना, ये कोई भी डाउट ट्रेनिंग फैकल्टीज नहीं लेते, ये वो टीचर्स हैं जो इंडिया के तुम टॉप 5 कोचिंग सोच सकते हैं, उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे डाउट ले रहे होते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए फिजिक्स ऑलिक्स में। ठीक है, इनमें खास क्या है, यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें सीधे आंसर दे दिया जाएगा, यहाँ पे तुम क्वेश्चन के साथ अपना आंसर पोस्ट कर सकते हो, अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो यार मुझे आपका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे ये पता करना है कि मेरे सॉल्यूशन में क्या करना है, मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, एंड विच इज द ट्रू वे ऑफ लर्निंग। और तुम टीचर से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, सर अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँ तो क्या हुआ, है ना। और याद रखना फिजिक्स एक्चुअल में इस तरीके से करी जाती है, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग फिजिक्स, मतलब एटलीस्ट इन फिजिक्स, मतलब दिस इज द ओनली वे ऑफ डूइंग फिजिक्स। हर रोज मेंटर से वो पर्सनल गाइडेंस सेशन होते हैं ताकि तुम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, यहाँ तक कि तुम टीचर के साथ ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हो, इनमें से कई सेशन मैं खुद लेने वाला हूँ। ठीक है, हर रोज होंगे, ये भी एवरीडे है ना, जहाँ पे तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहा है, फिर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है कि सर मैं इस तरह से करूँ ऐसे करूँ, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस ग्रुप में किन लोगों को एंट्री मिलती है, जो फिजिक्स लाइव कोड यूज़ करके ना, जो मेरा कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर उससे ज़्यादा का ना न्यू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलती है, तुम्हारी डाउट सॉल्विंग वगैरह, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं बचता, मतलब लिटरली है ना, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं बचता, तुम्हें सुबह अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तब डाउट आएगा तो ऑन द स्पॉट सॉल्व होगा, रात में कर रहे हो तब डाउट आएगा तो सॉल्व होगा ना। तो देखो प्राइस ज़्यादा इसमें कोई डाउट नहीं है, पर फिर तुम्हें उस तरह की फैसिलिटीज़ भी मिलती है ना, वो सारी फैसिलिटीज मिलती है। हर संडे को तुम्हारे क्विज होते हैं फिजिक्स का, हर संडे को मैं क्विज लेता हूँ, चाहे नीट के स्टूडेंट्स हो जेई के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, हर मंथ के एंड में तुम्हारा प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है ना। ठीक है, प्रॉपर जो तुम्हारा एग्जाम होता है उसके लेवल पे होता है ना, रिवीजन होते हैं बहुत सारी, ये मतलब जो भी तुम्हें चाहिए, इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ तुम्हें ऑल इंडिया 1 रैंक लाने के लिए जो भी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिलती है। इंडियन यहाँ पे रहकर तुम्हारे मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक तो इंडिया के बेस्ट टीचर मिले हैं, लिटरली कोटा के जो सबसे अच्छे टीचर्स हैं, और साथ में तुम्हें ऑप्शन मिलता है, और ये एक यूनिक फीचर है अनअकैडमी का, जिसने अनअकैडमी को इतना रिवोल्यूशनरी बनाया है, एंड विच इज समथिंग आई लव मोस्ट अबाउट अनअकैडमी, कि यहाँ पे तुम्हें मौका मिलता है कि तुम खुद डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किस टीचर से पढ़ना है। ये चीज़ पूरी इंडिया में कोई और प्रोवाइड नहीं करता, ना ही कोई ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में, यहाँ पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें फिजिक्स मुझसे पढ़ना है किसी और से पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में तुम्हारे पास 30-40 टीचर के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि देखो यार कोई भी टीचर कितना भी अच्छा कह रहा हो, हर एक बच्चा उससे नहीं पढ़ सकता, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है और हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तुम अपने हिसाब से अपने टीचर्स डिसाइड कर सकते हो। मतलब दिस इज समथिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट अनअकैडमी, दो चीज़ें, एक तो इंडिया के सबसे अच्छे टीचर्स इनके पास, दूसरी बात तुम खुद डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किससे पढ़ना है, एंड आई बिलीव 30,000 इज लाइक टोटली अफोर्डेबल फॉर दैट, है ना। ठीक है, इसके बाद अनअकैडमी आइकॉनिक की बात करते हैं, अनअकैडमी आइकॉनिक में भी तुम्हें ये सारी चीजें मिलती है ना। ठीक है, अब इसमें 20,000 के अराउंड लगभग फीस ज्यादा होती है, उसका रीजन है कि यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, जैसे तुम बहुत सारे यहाँ पे अनअकैडमी में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, तुम उन टीचर्स के साथ पर्सनली 1-on-1 डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी कोई भी क्वेरी उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, है ना। तुम्हें अनअकैडमी के जो नोट्स है वो प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलते हैं, पर ये सब चीज़ें मैं उतनी खास नहीं कहूँगा। जो सबसे खास बात है अनअकैडमी आइकॉनिक की वो ये है कि यहाँ पे जो अनअकैडमी का रेज हैंड फीचर है जिसमें वॉइस कॉल होता है, तुम टीचर्स के साथ जब तुम वॉइस कॉल होते हो उसमें तुम्हें प्रायोरिटी मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है, दैट इज द बेस्ट फीचर। ठीक है, ऑफकोर्स ये ज़्यादा कॉस्टली है ना, तो देखो अब तुम इसमें से किस प्लेटफॉर्म के साथ जाते हो दैट इज योर चॉइस, है ना। ठीक है, याद रखना ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अनअकैडमी पे भी पढ़ रहे होंगे, इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ रहे होंगे, 3-3, 6-6 लाख रुपए देके पढ़ रहे होंगे और उनके सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो फ्री में कर रहे होते हैं या फिर सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, वो सिलेक्शन कर लेते हैं। याद रखना ये मैक्सिमम तुम पे डिपेंड करता है ना, ये सारी चीज़ें बस तुम्हें एक एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ऑफकोर्स तुम्हारे चांसेस में बहुत फर्क पड़ता है, अगर तुम सेल्फ स्टडी करके 10,000 रैंक ला रहे हो तो अगर तुम्हें एक अच्छी टीम मिल जाती है ना, इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं, उनके प्रॉपर गाइडेंस में अगर तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन होती है तो वहीं पे तुम उस 10,000 रैंक को अंडर 100 भी ले जा सकते हो। याद रखना टीचर से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा इसमें, इन शॉर्ट यही कहूँगा, है ना, जो लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, डोंट लूज योर हार्ट, लाइफ इज फाइट, है ना, फाइट मारो यार, है ना, फाइट मारो। तुम जैसे अभी बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी सिचुएशन में और वो निकल के आएंगे, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मैं कहूँगा ऑलवेज वैल्यू टाइम मोर देन मनी, क्योंकि इस पर तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करने वाला है ना। अगर एक सब्जेक्ट भी तुम्हारा अगर कहीं वीक है और उसके तैयार होने से तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाते हैं तो वो तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में तुम्हें पहुँचा देगा। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक जो रिजल्ट हैं वो सारे पता ही है। किसी की कोई और क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, बैच वगैरह से रिलेटेड, या फिर जो बच्चे इसको फ्यूचर में देख रहे हैं, जो बच्चे जानना चाहते हैं, जो बच्चे मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं,
है ना, जो बच्चे मेरी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में मेरे 11 12 ड्रॉपर के कौन से बैचेस हैं, तो सीधा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे ना, सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि अनअकैडमी पे मैं हर रोज फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ। मेरी क्लासेस में मेरे ये आस्क मी एनीथिंग सेशन होते हैं जहाँ पे तुम आगे अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो मुझसे और रेज़ ए हैंड पे मुझसे बात कर सकते हो ना। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, यू विल फाइंड मी ऑन द टॉप, नहीं तो मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो देयर। आई होप इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, है ना। और बस ध्यान रखना, जो भी बच्चे YouTube वगैरह पे फ्री क्लासेस करते हैं, बस बहुत संभल के करनी है। एजुकेशन मतलब एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के नाम पे एंटरटेनमेंट को मत खाना, 2 साल बर्बाद हो जाएंगे, बाद में बहुत होगी ना। कई बार हमें 1 या 2 साल बाद पता चलता है ना, 1 या 2 साल बाद होता है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जो ऑफलाइन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है टीचर्स की, कोटा के टीचर्स की, उसको देखो, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। बाय बाय गाइस, सी यू।